welcome to my channel Angel Gabriel Tarots. Today I have this video for Gemini zodiac sign, jinka zodiac sign Gemini hai. और मिथुन राशि के जातकों का 1 सितंबर से 15 सितंबर तक का समय कैसा जाएगा, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, मैं देखना चाहूँगी. और मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि जेमिनी जिनका जॉडिक साइन है, मिथुन राशि के जातकों का 1 सितंबर से 15 सितंबर तक का समय कैसा जाएगा, क्या मैसेज है उनके लिए और एंजल्स की तरफ से क्या प्रिकॉशन उनको लेना चाहिए. लास्ट में आपका लव मेट के साथ ज़रूर से देखती हूँ कि क्या रिलेशनशिप रहेगा. अगर रिलेशनशिप लव मेट के साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आधे से ज़्यादा तो प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो जाती है. तो मैं यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो एंजल्स की तरफ से मैसेज है कि आपको इस वक्त किसी ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना है जो आपको परेशान कर सकता है, अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर सकता है. या आपको देखना है कि आपको ऑफिस में, कलीग्स में, कहीं आसपास, कहीं नेबरहुड में जो लेडीज़ हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई जना आपको नए काम शुरू करने से पहले ही आपकी टांग खींचने की कोशिश करेगा, आपकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश करेगा. तो इस तरह के व्यक्ति से आपको बच के रहना है और वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ नया काम नहीं कर पाएंगे, आप अपने इंटरेस्ट का कुछ नहीं कर पाएंगे. तो कुछ हॉबीज या कुछ किसी प्रोजेक्ट पे जैसे आप काम कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है और वो आपको रास्ते से हटाने की कोशिश पूरी पूरी करेगा, ये चीज़ है रहेगी. और मैं यहाँ अगर देखूँ तो आपको इस वक्त बहुत मैच्योरिटी से सब चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है. देयर इज़ द नीड टू हैंडल ऑल योर वर्क, ऑल योर थिंग्स टू बी विद वेरी मैच्योरिटी. जब तक गंभीरता नहीं होगी, जब तक सीरियस होके आप अपना ध्यान देके काम नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी चीज़ पे, किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे, किसी भी रिजल्ट पे, कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे. तो इस ज़रूरी है कि गहन अध्ययन करके, डिटेल करके उस चीज़ों को तब उस पर आप इम्प्लीमेंट करें. ये कार्ड ये भी कहता है कि आप किसी चीज़ को लेके स्टबर्न हो सकते हैं. जैसे होता है ना कि ज़िद्दीपन हो जाना कि नहीं मुझे यही चाहिए, ऐसा मत करिएगा. थोड़ा सा ओपन माइंडेड रखिएगा, मैं ये कहना चाहती हूँ. और हो सकता है कि आप थोड़े से स्टबर्न हो जाए कि नहीं मुझे यही करना है, वो थोड़ा सा, क्योंकि स्टबर्न कहीं कहीं तो अच्छा हो सकता है लेकिन हर जगह तो स्टबर्न होना नहीं ठीक है. तो स्टबर्न हो सकते हैं आप थोड़े से. यहाँ पे स्टार का कार्ड है, विक्ट्री, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रहेगा, आपको विक्ट्री मिलेगी अपने काम में, जीतेंगे आप, विक्ट्री मिलेगी आपको अपने काम में. कोई काम आपका ड्रीम का ड्रीम रह सकता है, कुछ चीज़ें बिगड़ सकती हैं, उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि सब चीज़ें तो नहीं हो सकती ना कि सब चीज़ें पूरी पूरी हो जाएंगी, लेकिन जो आपके हाथ में इस वक्त लगेगा उसको ज़रूर किसी तरीके से संभालते हुए, उसको अच्छे से काम करके, तब उसको संभालते हुए उसको काम को करके निकल जाइएगा. क्योंकि किसी से आपका जो है यहाँ पे इशू ना हो कि कोई जना आपको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा ही करेगा. तो हो सकता है कि काम ना होने दे, लेकिन सब चीज़ें ऐसा नहीं कि सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है. किसी फीमेल से एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहा है, एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप दिखा रहा है. ये आपकी कोई माँ हो सकती है, आपकी बड़ी बहन हो सकती है, कोई फीमेल बॉस हो सकती है, कोई भी जना आपकी फैमिली में या रिलेशन में. ये आपको देखना है कि किसके संपर्क में आप रहेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगी. अगर कोई नहीं है तो आप महालक्ष्मी, माँ दुर्गा गॉडेस की पूजा करिए, उनको मानिए, उनको समझिए कि वो क्या इंडिकेशन दे रही हैं आपको. कंसंट्रेशन आपका उसमें अगर फोकस रहेगा अपने काम पे, तो आप देखिएगा कि आपका इस लेडी का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा. बहुत ज़्यादा बोझ लेने की कोशिश आप इस वक्त करेंगे, आपको लगेगा कि मेरे ऊपर करियर भी का भी बोझ है, मेरे ऊपर घर का भी बोझ है, तो बहुत थक जाएंगे आप. इतना बोझा आपको नहीं उठाना चाहिए, आपके हेल्थ पे भी आ सकता है. तो हालांकि आपके ऊपर आएगा और आप उठाएंगे जिम्मेदारी, आपको जो है वो आएगी जिम्मेदारी आपके ऊपर. और मेरे जो ओरेकल कार्ड्स हैं, ये मैं स्पेशली हीलिंग कार्ड्स हैं, मैं इनको यूज़ करती हूँ रिलेशनशिप में देखने के लिए कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लव मेट के साथ. मैं यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो है ये एक रिचुअल्स को दिखा रहा है. एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि
जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी सैक्रेड, जिसे बोलते हैं ना कि अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे का बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करना, ये ज़रूरी है। अगर ऐसा अगर आप करके चलते, रेस्पेक्ट रखिए एक दूसरे के, आदर पूर्वक मतलब एक दूसरे से बातचीत करिए, ये नहीं कि झगड़ा झंझट करके और दूसरे को डिसरेस्पेक्ट दिखा के तब आप सोचें कि डोमिनेट करके मैं कैसे भी काम निकाल लूँगा। नहीं, आपका लवमेट कोई भी हो उसका रेस्पेक्ट करिए, तभी आप स्टेबिलिटी ला पाएंगे, स्थिरता ला पाएंगे अपने रिलेशनशिप में। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपकी जो भी जिम्मेदारी है इस वक्त यहाँ, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कार्ड यहाँ पे आया, यहाँ पे भी यही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, इसको पूरा करिए। जहाँ तक हो सकता है जिम्मेदारी आपके लवमेट की तरफ से हो सकता है ना, कि छोटी छोटी चीज़ें कि फलाना ये ले आना या फलाना मेरे लिए ये बना दो या कुछ कर दो, इस करिएगा, बिल्कुल करिएगा। और कोई ट्रुथ अनवील हो सकती है, कुछ सच्चाई सामने आ सकती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपको उन चीज़ों को आँख गड़ा के रखना है अपने रिलेशनशिप में। आपको देखना है दैट यू हैव टू सी दैट यू हैव टू कीप एन आई ऑन रिलेशनशिप एंड समथिंग विल बी रिवील्ड इन योर रिलेशनशिप। कुछ ट्रुथ कुछ आप सामने आ सकती है, हो सकता है कि देखो कितना अच्छा मुझको ये प्यार करता है, कितने अच्छे से मुझ मेरी केयर करता है, करती है, तो इस तरह की ट्रुथ रिवील हो सकती है। अंदर ही मन में आपको पता चलेगा कि एक क्या मेरे लिए वाइब्रेशन से लव के, मेरे लव मेट के लिए मेरे लिए क्या सोचता है, तो ट्रुथ अनवील हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है कि आपको इस वक्त बहुत सपोर्ट मिलेगा अपने लाइफ पार्टनर से, मान के चलिए कि ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। अगर ये एंजल्स सब मैसेज कर रहे हैं दैट यू विल गेट द सपोर्ट फ्रॉम योर लव मेट, दैट मीन्स यू हैव टू इन रिटर्न यू हैव टू गिव द रिस्पेक्ट, अगेन रिस्पेक्ट देने का कार्ड आ रहा है। आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको लव मेट आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, उसका हाथ थामिए, इस वक्त हाथ थाम के रखिए, क्योंकि उसको भी ज़रूरत है। एक दूसरे का हाथ थामेंगे तब एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे, तभी तो जाकर के रिश्ता मजबूत होगा ना। और फिर दोनों की रेस्पेक्ट भी करिए, यहाँ पे अगर आप रेस्पेक्ट करेंगे तो आप देखिएगा आपका लव मेट आपको बहुत सपोर्ट करेगा। इस वक्त रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें करना यहाँ दिखा रहा है कि जैसे होते हैं ना कुछ चीज़ें इनबिल्ट होती हैं, यहाँ पे इनबिल्ट नहीं दिखा रहा है कि ऑलरेडी आपका रिश्ता अच्छा दिखा रहा हो, नहीं, ये इसमें दिखा रहा है कि आपको काम करना, यू हैव टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, ये चीज़ यहाँ दिखा रहा है। कितना क्लियर मैसेज है। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है कि इतना चीज़ें करने के बाद अंत में एट लास्ट यू विल बी लाइक अ स्टार एट द आईज ऑफ योर लव मेट, अपने लव मेट में एक आँखों का तारा आप बन जाएंगे। जैसे होता है ना कि एक न्यू लाइट का ओरिजिन होना रिलेशनशिप में, एक न्यू एनर्जी का यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, जो भी आपके सामने ट्रुथ अनवील हो रही है उसको देखना है, और यहाँ पे जो है कुछ जो भी सपोर्ट बहुत मिलेगा आपको अपने लव मेट के साथ। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आपको अपने ऑरा अच्छा अगर रखना है, ऑरा अगर अच्छा रखना है, दैट मीन्स यू हैव टू लिसन टू योर सोल। आपको अपने स्पिरिट्स, देखिए क्या होता है, एंजल्स तभी मैसेज कर पाते हैं आप जब आप उनको सुने, जब आप उनको सुनेंगे ही नहीं, कोई मीडियम चाहिए ना सुनने के लिए, तो जब आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को ही नहीं सुनेंगे कि मुझे मेरे लव मेट के लिए ये काम करना है या ऐसे करना है, और दिमाग एकदम उनको उलझा हुआ है, तो आप नहीं कुछ कर सकते। तो ज़रूरी है कि एंजल्स की तरफ से मैसेज है दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, आपको वर्क करेंगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें इनबिल्ट नहीं है, क्योंकि सपोर्ट दिखा रहा है कि सपोर्ट अगर वो कर रहा है अगला जना तो उसको रेस्पेक्ट करिए, उसको भी रिटर्न में लव दिखाइए ना आप। ये चीज़ यहाँ दिखाना चाह रहे हैं एंजल्स, मैसेज करना चाह रहे हैं। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।